कोविड-19 की महामारी के बीच उड़ीसा के पुरी और रांची के जगन्नाथ मंदिर में रथ मेले को लेकर असमंजस बरकरार है। श्रद्धालु इस बात को लेकर परेशान है कि सालाना धार्मिक महोत्सव नहीं होने से उन्हें भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं हो पाएगा। पुरी में जहां 284 साल बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, वहीं राजधानी रांची का 329 साल पुराने रथ मेले में श्रद्धालुओं के लिए शामिल होने का मौका नहीं बन रहा। ऐसे में अब मंदिर समिति इस बात की तैयारी कर रही है कि श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ का दर्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराया जाए। मंदिर समिति से मिली जानकारी के अनुसार रांची में 329 साल पुराना ऐतिहासिक रथ मेला इस बार नहीं लग पाएगा। हालांकि रथ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन रथ यात्रा के दौरान कैसे नियमों का पालन किया जाएगा, यात्रा पालकी से निकाली या रथ का इस्तेमाल किया जाएगा, इसे लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जानकारी के अनुसार 5 जून को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम को महास्नान कराया गया। दोपहर बाद भगवान एकांतवास में चले गए। 51 कलश में जल भरकर उसमें अश्वगंधा, हल्दी, गुलाब और गंगा जल को मिलाकर भगवान को स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान 15 दिन के एकांतवास में चले जाते हैं। देखिए, ये रथ यात्रा जो है वार्षिक समारोह है भगवान का, और मुख्य समारोह यही है जी। तो हम लोग तो अपने हिसाब से तैयारी में लगे हुए हैं भगवान का रथ यात्रा हो, लेकिन उसमें है एक अहम विषय है कि अभी का जो संक्रमण काल में जो स्थिति बनी हुई है, किस उसको देखते हुए, साथ ही साथ सरकार का बिना सहयोग का तो होगा नहीं, तो सरकार और प्रशासन से हम लोग निर्देश ले करके ही इस आयोजन को पूरा करें। उसके लिए हम लोग पत्राचार भी किए हुए हैं, तो हम तो अपेक्षा करते हैं कि जितना जल्दी वो प्रशासन का कोई निर्देश हमको मिले, जिससे कि हम लोग भक्तों से भी आग्रह कर सकें मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, या जैसे भी हो अपने व्यक्तिगत भी जो लोग जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत रूप से, उनसे भी आग्रह करेंगे कि भाई इस साल भगवान का आराधना जो है आप लोग घर से ही करिए, क्योंकि मेला लगने का तो स्थिति अभी। इधर समिति के कोषाध्यक्ष ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि अनुष्ठान के खास दिन यानी रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मौसीबाड़ी के लिए रवाना होने से पूर्व उसके अनुष्ठान को सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव वीडियो की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जा रहा है, जो मेला प्रशासन के अधीन है। इस व्यवस्था से श्रद्धालु भगवान के दर्शन भी कर लेंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा। सरकार का सहयोग हम लोग को मिले तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से इसका प्रसारण हो तो लोग अपने घर से ही भगवान का दर्शन करें और यहाँ रथ यात्रा में आने की उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लोग संतुष्टि भी मिलेगा। चूँकि यह लाइव वीडियो रहेगा और चूँकि यह संकट मंदिर के स्थापना काल के बाद यह पहला बार हुआ है पूरे विश्व में, तो लोगों का सुरक्षा, जान माल का सुरक्षा आवश्यक है और भगवान का जो विधान है वह भी आवश्यक है। तो इस पे बहुत ही हम लोग आशा के साथ सरकार का जो प्रशासन तंत्र है उनका निर्देश क्या इंतजार में है, गाइडलाइन के इंतजार में है। बहरहाल कोरोना के महामारी के बीच झारखंड का सबसे बड़ा मेला जगन्नाथ मेला के नहीं लगने के कारण श्रद्धालु थोड़े निराश जरूर है, साथ ही साथ भगवान के इस बात को लेकर प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी से निजात मिले, जिससे लोग उसी परंपरा और आस्था के साथ भगवान का सीधा दर्शन कर सके।